अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। 5 मरला हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भारी कमी। आपको पता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पिछले एक साल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आपको पता है कि आज से 2-3 साल पहले जो ईंटें 7,000 या 8,000 रुपए की अव्वल ईंट मिलती थी, वो बढ़ते बढ़ते और कहां तक चली गई, 17-18 हजार रुपए पे चली गई थी पर 1,000 पीसेस। इससे जो सीमेंट है वो 1,200 रुपए की बोरी हो गई थी। तो इसकी वजह से ये हुआ कि सरिया आप देख लें 250 रुपए तक चला गया था और इस वजह से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर गई थी, ठीक है ना, और डॉलर रेट बहुत इंक्रीज किया हुआ था। अब डॉलर रेट नीचे आया है और पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस क्योंकि नीचे आई हैं, तो बहुत सी जो इनपुट्स हैं यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है आपकी कंस्ट्रक्शन में, आपके घरों के कंस्ट्रक्शन में, वो नीचे आए हैं। कुछ नीचे आए हैं और कुछ नीचे आ रहे हैं। तो मैं इस वक्त आपको 5 मरले की जो कॉस्ट है उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा। आपको पता है 5 मरले जो घर होता है वो 1150 स्क्वेयर फीट होता है उसका रकबा, उसमें से तकरीबन 50 फुट आप छोड़ देते हैं तो 1100 फुट तकरीबन आपका सिंगल स्टोरी जो घर है वो बनता है। तो डबल स्टोरी अगर आप कर ले तो 2200 स्क्वेयर फीट हो जाता है, ठीक है जी। ये लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर या पंजाब के अंदर। तो फिर ब्रिक्स जो है ना, आपकी ब्रिक्स आपकी लगनी है 60,000। इस वक्त रेट है 15 रुपए ब्रिक का, क्योंकि आपको पता है 18 रुपए रेट से नीचे गिरता गिरता 15 रुपए तक आया। 15 रुपीज की अगर एक ईंट लेते हैं तो, और अगले महीने से या 1-2 महीने और नीचे आएगी इंशाल्लाह नवंबर में, तो 60,000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लाख रुपए की ईंटें बनेंगी। दूसरा जो है सीमेंट 500 बोरियां लगेंगी आपकी डबल स्टोरी घर के ऊपर, और ये 1,020 रुपए के हिसाब से आप सीमेंट लगाएं अगर आप लकी लेते हैं या कोई और लेते हैं। कई तो सिटीज में मुझे कमेंट्स में पता चला है कि सीमेंट का रेट इससे भी नीचे आ गया, वहां 950 तक आ गया। लाहौर के अंदर 1,000 से 1,050 तक मुख्तलिफ लोग बेचते हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं, चकवाल है, इस तरह की सिटीज है, वहां तो 950 रुपए की भी बोरी आ रही है सीमेंट की। अगर आपकी 500 बोरियां भी टोटल लगती हैं आपके लेंटर समेत, आपके लेंटर 2 लेंटर भी पड़ जाएंगे इसमें आपके घर के, और बाकी जो है प्लस्तर भी हो जाएंगे, चिनाई भी लग जाएगी, ये सारा कुछ होने के बाद आपकी 500 बोरियां लगेंगी तो वो 5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली आप उसका लगा लें सीमेंट का। सरिया जो है वो अगर आप 220 रुपए के हिसाब से सरिया लगाते हैं, जैसे आप नीचे आ गया पहले तो ये 250 रुपए तक सरिया चला गया, अगर 220 भी लगाते हैं और वो भी 60 ग्रेड का, नेक्स्ट फ्यू डेज में होता है 200 रुपीज तक भी आ जाए, क्योंकि डॉलर का रेट बहुत नीचे आ गया है और डॉलर के सेलर ज्यादा है, बायर नहीं है इस मार्केट के अंदर। तो 2600 किलो अगर आपका सरिया लगता है और उसको मल्टीप्लाई करें 220 से, तो ये तकरीबन आपका 6 लाख रुपए से भी कम का सरिया लगेगा। आगे सीवरेज प्लस सैनिटरी के जो पाइप्स हैं वो 2 लाख रुपए के लगा लें, और इलेक्ट्रिक पाइप्स जो हैं वो आपके 1 लाख रुपए के लगा लें, पाइप प्लस बॉक्सेस प्लस उसके स्विच बोर्ड ये सारा कुछ 1 लाख रुपए का लगा लें। फिर आपके जो इलेक्ट्रिक की जो वायर्स हैं वो आप तकरीबन 1 लाख रुपए की वायर्स लगा लें, ठीक है। और जो चौखट है, चुगाड़ जिसे बोलते हैं, वो आपकी एक घर में 14 चुगाठे अप्रोक्सीमेटली लगेंगी, 7 नीचे वाले पोर्शन में 7 ऊपर वाले पोर्शन में, तो वो अगर आपकी 7,000 रुपए की चुगाठ है तो उसके 14 से जरब दे तो ये तकरीबन 96-97,000 रुपीज की चुगाठे बन जाएगी, और मजदूरी आपके तकरीबन 7 लाख रुपए, और ग्रिल्स जो है वो 2 लाख रुपए की, सारी मिला के तकरीबन आपकी 34 लाख रुपीज में आपका कॉस्ट इस वक्त बन रहा है। लेकिन अगर आप एक साल पहले बनाते हैं तो हो सकता है आपकी 40 लाख लगते हैं, अब तकरीबन 5-6 लाख में 5-6 लाख रुपए की कमी हुई है डॉलर के रेट के नीचे आने की वजह से। तो यही मेरा अपडेट था कि डॉलर के रेट में भारी कमी होने के बाद जो 5 मरला घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें भी भारी कमी हो गई है। इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो घर बनाना चाहते थे लेकिन वो इसलिए रुके हुए थे कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेरा मकसद था कि उनको मोटिवेशन दूँ, उनको एक ऐसा मतलब बताऊँ कि मतलब मार्केट में रेट्स कम हुए। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।